हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं क्लासिक सेट स्पोर्ट। और आज की इस एपिसोड में हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे स्टार सेट SR90000HG एक्सट्रीम। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को इस चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार सेट SR90000HG एक्सट्रीम बहुत से दोस्तों ने यूज़ भी किया होगा और बहुत से दोस्त यूज़ कर भी रहे हैं। तो स्टार सेट के जो सैटेलाइट रिसीवर हैं, डेफिनेटली उनका एक नाम है और एक क्वालिटी है। चाहे आप चाइना का रिसीवर ले लें या ब्रांडेड, तो दोनों की पिक्चर क्वालिटी और ट्यूनर, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दोस्तों, 2000 तकरीबन 11-12 में स्टार सेट का एक मॉडल लॉन्च हुआ था, 2000 HTS, और उसके बाद उसका सक्सेसर लॉन्च हुआ 2000 HT Hyper, जो कि मार्केट में 6-7 साल जो है वो उसने अपनी मार्केट बनाई है। और 6-7 साल तक, जब तक उसका सक्सेसर 2000 HT Extreme नहीं आया, वो चलता रहा। और अभी भी कई दोस्त यूज़ कर रहे हैं। अगेन, उसकी पिक्चर क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत आउट क्लास है और उसका एक अपना लेवल है। लेकिन डेफिनेटली कुछ अपडेट्स वक्त के साथ साथ जो है अपडेट्स आ जाती हैं, और क्योंकि न्यू अपडेट्स जो हैं वो आने की वजह से वो पुराने जो 2000 HT Hyper था उस पर आप बहुत से फीचर एंजॉय नहीं कर पाते थे, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू 2000 तकरीबन 17-18 के करीब कम हो गई। लेकिन आल दो 2018-19 तक वो प्रोडक्शन में रहा, 13 से लेकर 19 तक। तो इसी तरह जब 2000 HT Hyper था, उसका सक्सेसर 2000 HT Extreme था। और उसी तरह जो ट्विन ट्यूनर की कैटेगरी थी, उसमें 8800 HT Hyper था और उसका सक्सेसर ये 90000 HT Extreme है। तो ये भी बेसिकली ट्विन ट्यूनर सेटेलाइट रिसीवर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम चाहे 2000 HT Extreme है या 2200 HT Extreme है या T14 है, तो ये टोटली डिसकंटिन्यूड है। और मार्केट में अगर किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, लेकिन न्यू स्टॉक की प्रोडक्शन अब डिसकंटिन्यूड है। तो इसी तरह जो 90000 HT Extreme है, ये एक ट्विन ट्यूनर रिसीवर है। और इसी तरह अगर आप देख सकें तो 1990 HT Extreme के भी ट्विन ट्यूनर ही रिसीवर है। तो बहरहाल, आज की वीडियो में हम सिर्फ 90000 HT Extreme को फोकस में रखेंगे। तो इसके सबसे बुनियादी फीचर्स में ये है कि इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं VFT डिस्प्ले है, तो 7-segment डिस्प्ले नहीं है, मतलब चैनल का जो नाम है वो फ्रंट पे डिस्प्ले होता है। और इसी तरह आपको चैनल के जो करंट स्टेटस है, सिग्नल और क्वालिटी का, वो भी फ्रंट पे शो होता है। और फ्रंट में जो है आपको कार्ड स्लॉट और USB भी मिल जाती है। उसके अलावा पावर ऑन ऑफ के लिए बटन, वॉल्यूम चेंजिंग की और चैनल चेंजिंग की भी मिल जाती है। उसके अलावा जब ये रिसीवर लॉन्च हुआ था, तो उसमें एक रेवोल्यूशनरी नई चीज़ आई थी, जो आप देख सकते हैं राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये 2.4G रिमोट कंट्रोल के ऊपर। 2.4G का मतलब ये है कि जो एक रिमोट कंट्रोल है, जो इससे पहले रिमोट कंट्रोल रिसीवर में आते थे या जो कन्वेंशनल चल रहे हैं, उनमें IR सेंसर होता है, मतलब एक इंफ्रारेड टाइप LED लगी होती है। और उसको आप रिसीवर के फ्रंट पे, जहाँ पे आप ये सिग्नल क्वालिटी स्टेटस देख सकते हैं, इसके राइट साइड पे IR लिखा हुआ है, तो आप इसकी तरफ उसको डायरेक्शन करेंगे और की प्रेस करेंगे, तो उसकी के अगेंस्ट रिस्पेक्टिव जो फंक्शन है वर्क करेगा। जबकि 2.4G जो रिमोट था, स्टार सेट ने ही निकाला था और ये न्यू कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब ये है कि आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू ये रिमोट वर्क करता है, और इसके लिए आपको डायरेक्शन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में रिमोट को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एनी वेयर रूम में कहीं भी बटन प्रेस करेंगे तो यह काम करेगा। और इसी तरह आपको एक वाईफाई डिवाइसेस के साथ मिलती है। और मेन हाइलाइटेड फीचर में ये H.265 सपोर्टेड है, ट्विन ट्यूनर है, उसका ट्यूनर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और अब एक सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, यूट्यूब वर्किंग है, उसके अलावा RSS फीड जो है वो उसके ऊपर वर्किंग है, GM स्क्रीन वर्किंग है, मेरा कास्ट का ऑप्शन है, 3G आप मोडेम या सिम टाइप डिवाइस लगा सकते हैं, प्लग एंड प्ले, DLNA सपोर्टेड है, और ये इसके बेसिक फीचर है। और इसी तरह आप 8000 चैनल मेमोरी है। चलिए, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें
इसमें से बॉक्स में से क्या क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये सैटेलाइट रिसीवर मिल जाते हैं, इसको हम बाद में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले एक सेट बैटरी सेल्स का सेट मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें एक अदर अच्छी क्वालिटी की बोथ आउट क्लास HDMI केबल मिल जाती है। उसके अलावा ये स्टार सेट का जो 2000 एक्सट्रीम या 90000 एक्सट्रीम ईयरबड 2200 या 204K में भी रिमोट आता है, एक अदर रिमोट मिल जाता है। उसके अलावा हमें जो है एक अदर वाईफाई अडाप्टर मिल जाती है, वाईफाई डिवाइस। इसी तरह हमें ये 2.4G, मतलब इसमें कोई फ्रंट पे इंफ्रारेड का सेंसर नहीं है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में बैटरी सेल डालने के बाद बटन दबाएं तो एक रेंज के अंदर तो ये काम करेगा। इसी तरह एक सिलिका जेल मिल जाती है। उसके अलावा हमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है। और ये दोस्तों एक ऑडियो वीडियो केबल मिल जाती है, जो कि आजकल सेटेलाइट रिसीवर्स में बहुत काम आती है, कि आपके पास HDMI केबल भी हो और ऑडियो वीडियो केबल। तो ये दोस्तों आपको डिवाइस, ये डिवाइस का कुछ टॉप है और ये डिवाइस का आपको फ्रंट मिल जाता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं जैसा कि ऑन ऑफ का बटन, चैनल चेंजिंग, वॉल्यूम चेंजिंग, स्टार सेट की ब्रांडिंग हुई भी है। और इसी तरह आपको फ्रंट में एक अदद कार्ड स्लॉट मिल जाती है, वन स्लॉट यूनिवर्सल एम्बेडेड, और एक अदद USB पोर्ट मिल जाता है। और फ्रंट पे भी एफटी डिस्प्ले, ये डिवाइस का कुछ टॉप है। अगेन इसके बैक साइड पे ये दो दो आपको ट्यूनर मिल जाती हैं। इस तरह आपको USB पोर्ट, मतलब टोटल 2 नंबर ऑफ USB पोर्ट हो गए, HDMI पोर्ट, ऑडियो वीडियो केबल पोर्ट, RS232 पोर्ट, लैन पोर्ट मिल जाता है। इसी तरह ये ऑन ऑफ बटन और ये वारंटी सी। तो ये दोस्तों STB की अनबॉक्सिंग थी। और दूसरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह सेटेलाइट रिसीवर जो है वो इजीली रिकवरेबल है। अगर आप सॉफ्टवेयर के दौरान आपकी लाइट चली जाती है या आपसे रॉन्ग सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, तो आप किसी मैकेनिक या टेक्नीशियन के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको इजीली डंप के थ्रू USB से रिकवर कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप डंप फाइल USB में डाल के उसको रॉम डॉट बिन रीनेम करके आप प्लग इन कर देते हैं रिसीवर के अंदर, और फिर रिसीवर को बैक साइड से ऑफ करने के बाद, या तो फ्रंट से आप पावर का बटन दबा के रखें, रिमोट से बटन दबा के रखें, और फिर जब आप पावर ऑन का बटन दबाएंगे और आपने एक पावर जो है ऑन का बटन फ्रंट से पावर का या रिमोट कंट्रोल से अगर की आपने कंटिन्यूसली प्रेस की होगी, तो फ्रंट पे UPG अपग्रेड मतलब लिखा आ जाएगा और वो डंप फाइल को रीड करना शुरू कर देगा। और अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको 232 RS232 केबल लोडर के थ्रू भी रिकवर कर सकते हो। एनीहाउ ये बहुत पायदार बॉक्स है और इसके बहुत से लवर मौजूद हैं। तो अगेन अगर आप हमसे ये बॉक्स बाय करना चाहते हैं रिजनेबल प्राइस में, तो कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है और एडवांस पेमेंट भी मौजूद है। व्हाट्सएप का हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस बॉक्स से मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ही ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम डिवाइस को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेरेंस और इसके फीचर क्या क्या हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए एपिसोड में, नई वीडियो और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।